हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आज हम आपको कुछ दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम BSSC पढ़ाएंगे और पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर अब आगे क्या होगा, कब तक मेरिट आएगी और क्या न्यू NCERT वैलिड किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज की जो मुख्य अपडेट है, आप देख सकते हैं राजस्व विभाग, देख सकते हैं दोस्तों राजस्व विभाग में जो है 77% पद है खाली। आपको पता है दोस्तों कि BSSC इंटर लेवल में जो है 44-53 जो है सीटें हैं राजस्व कर्मचारी की, और वही सीटें अभी तक नहीं भर पाया है, जिसके कारण से दोस्तों बहुत सारे जो है ब्लॉक में या बहुत सारे कह सकते हैं पंचायत में राजस्व कर्मचारी की बहुत कमी है और सही से वहां कार्य भी नहीं चल पा रहे। तो उसी को लेकर दोस्तों आज अखबारों में कुछ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 77% पद रिक्त हैं। स्थिति यह है कि मुख्यालय, जिला और अंचल कार्यालयों में सृजित 12,818 पदों में से 9,000 देख सकते हैं 894 पद रिक्त हैं। जिला स्तरीय समर्ग में राजस्व कर्मचारी के 6,694, अमीन के 1,767 पद खाली हैं। जिला और अंचल कार्यालयों में अधिकारी ही नहीं है, देख सकते हैं दोस्तों। राजपत्रित पदाधिकारी के 1,238 रिक्ति में से सबसे अधिक पद राजस्व अधिकारी, मैंने जिस प्रकार बताया दोस्तों कि राजस्व कर्मचारी सह कानूनगो भू अर्जुन भू अभिलेख और दे सकते हैं सहायक चकबंदी पदाधिकारी के हैं। इन चार कोटी में 1,597 पद हैं, जिनमें से 1,173 पद रिक्त हैं। जिला भू अर्जन पदाधिकारी 38 पदों में से 17 पद भरे जाने हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की कमी फील्ड में है, सचिवालय स्थित मुख्यालय में भी 195 पद मतलब खाली हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि बिहार में जो भी चीजों को आप देखेंगे सभी में कुछ ना कुछ पदें जो है खाली है और उसे भरा ही नहीं जा रहा है। यही जो है दोस्तों देख सकते हैं स्थिति यह है कि चकबंदी निदेशालय में निदेशक तक का पद जो है पर अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। यह जिम्मेदारी और मुख्य सचिव अतिरिक्त देख सकते रूप से निभा रहे हैं। अवर सचिव के 8 पद स्वीकृत हैं, अभी तक एक भी पद पर जो है बहाली नहीं हुई है। और यहाँ पूरा डिटेल दिया गया दोस्तों सब चीज में जो है कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है, तो ये आप पूरी डिटेल को अच्छी तरह से देख लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। और जो वैकेंसी आने वाली दोस्तों आपको बता दें, वो वैकेंसी आने में अभी लेट होगा जब तक इंटर लेवल, हमको होता है दोस्तों कि BSSC इंटर लेवल की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती, बिहार में जो है नई वैकेंसी आनी थोड़ी सी अभी मुश्किल होगी। सबसे पहले दोस्तों आप इस अपडेट को देख सकते हैं कि न्यू NCERT सभी ने कह दिया कि न्यू NCERT वैलिड हो गया। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे छात्र एक ही कमेंट कर रहे हैं कि आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो क्या न्यू NCERT हम वैलिड मान लें? जो न्यू NCERT वाले छात्र हैं वो सोच रहे दोस्तों कि क्या न्यू NCERT वैलिड मान लें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यू NCERT आयोग भले ही जवाब नहीं दे रही है, लेकिन न्यू NCERT आपका मान्य हो चुका है। इसका यही कारण है दोस्तों कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जब उसको अंतिम रूप से दोस्तों आपको बता दें कि हिदायत दे दी BSSC आयोग की, अब जल्द से जल्द जो है केस को वापस लें, याचिका दायर करके जो है आप केस को वापस विथड्रॉ करें। तो दोस्तों आयोग को तो मानना ही पड़ेगा। आपको पता है कि कोई उच्च अधिकारी अगर निम्न अधिकारी को कुछ कहता है तो उसके बातों को पालन करना पड़ेगा। तो उसी तरह दोस्तों BSSC आयोग है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश दिए हैं इसे पालन करना पड़ेगा और जल्द से जल्द ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो दोस्तों आयोग ने अगर जवाब नहीं दिया है तो आप निश्चित रहें सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मेरिट में होगी देरी, क्यों मेरिट में देरी होगी? तो मेरिट दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट जो है, हम आपको बता दें कोर्ट अभी क्या है कि 12 से लेकर के 20 तक कोर्ट बंद है, और जब तक कोर्ट बंद है दोस्तों आपको पता है कि याचिका भी अगर दायर करेंगे आयोग केस को विड्रॉ करने के लिए न्यू NCERT के मामले को, तो जब तक कोर्ट खुला नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा? तो दोस्तों 20 तक तो आप कुछ ही ना कहें, इतना समझ लें 20 अप्रैल तक, सॉरी 20 मार्च तक दोस्तों कि आपको कुछ नहीं कहना। उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा याचिका दायर की जाएगी और जल्द जी है आपका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको बता दें कि अगर ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी तो अप्रैल की शुरुआत में इसकी पूरी प्रक्रियाएं करने की शुरुआत कर दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। फिलहाल न्यू NCERT वाले छात्र काफ़ी घबराए हुए हैं, अभी भी उसके मन में थोड़ा सा डर है, लेकिन अब वो मन से दोस्तों डर निकाल दीजिए, जो भी होगा अच्छा होने जा रहा है। अब समझ लीजिए कि सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव और बेहतरीन होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए।